Hello everyone, now let's see the sixth phylum in your non-chordates. This is your Annelida. ये earthworm का phylum है, इतना याद रखो आपको example के साथ. शुरुआत में एक example earthworm, सबको पता है केचुआ वगैरह जो मिट्टी में मिलते अपने को, right? Side by side आपको photos आते रहेंगे, देखते चलो. बहुत इजी फाइलम है, कुछ ज्यादा इसके बारे में आपको हार्ड बातें नहीं है. बस आपको एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड में जो दिया हुआ है आपको उतना याद रखना है. एमसीक्यू जिसी के अराउंड फ्रेम होते हैं. ओके, सो इट इज द फाइलम एनेलिडा, वेयर द एनल या फिर एन्यूल. एन्यूल वर्ड का मीनिंग रहता है लिटिल रिंग्स या छोटे छोटे रिंग्स. जैसे कि आपको पता है अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंटेड रहती है, उसके ऊपर रिंग्स आपको दिखाई देते हैं. सो इसीलिए ये फाइलम का नाम क्या रखा है, एनेलिडा. एनुअल वर्ड आपने सुना होगा, एनुअल मतलब साल पूरा कंप्लीट होता है जनवरी से दिसंबर, फिर जनवरी से दिसंबर. सो एक रिंग कंप्लीट होता है ना, टाइम का एक पूरा लैप्स होता है, पूरा टाइम कंप्लीट होता है, एक रिंग या साइकिल कंप्लीट होती है. तो जहां पर भी आपको एन्यू एन्या या फिर ऐसे एन्युलर ऐसा वर्ड आएगा एनेलिडा, तो समझने का रिंग्स. सो जैसे कि आपकी अर्थवर्म की बॉडी है, इट इज सेगमेंटेड, पूरी बॉडी ऐसी सेगमेंट्स रहेंगे उसके ऊपर. ओके, लगभग 100 से 120 सेगमेंट्स रहेंगे. अपने को सिलेबस में तो नहीं है, स्टेट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर में आपको अर्थवर्म का स्ट्रक्चर, फंक्शंस, उसकी बॉडी के सब चीजें दी हुई है. सो अगर आप अर्थवर्म को देखेंगे तो आपको अर्थवर्म की बॉडी इस तरीके से सेगमेंटेड बॉडी दिखाई देगी. ठीक है, देयर आर अबाउट 100 to 120 segments और पूरे स्टार्टिंग में भी फिर ऐसा पूरा रहेगा, और फिर उसको माउथ रहेगा एकदम सामने से, और बाकी की पूरी बॉडी को भी ऐसे सेगमेंट्स रहेंगे. ठीक है, दिस सेगमेंटेशन इज द फीचर, आइडेंटिफिकेशन फीचर हियर. क्योंकि सेगमेंट्स दिख गए तो यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको पहली बार दिखाई देगी. अब तक आपको मैंने मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात नहीं किया था, आपको बस डिप्लोब्लास्टिक है क्या, सिलोमेट है या असिलोमेट है ये बोला था. सिलोमेट भी नहीं है, यहां से पहली बार सिलोम शुरू होगा. लेट्स सी हाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इनका हैबिटेट देखेंगे, मतलब ये कहाँ मिलते हैं आपको, सो हैबिटेट की बात कर लूं तो मेनली ये एक्वाटिक हो सकते हैं, पानी में मिलेंगे आपको, कुछ है तो एक्वाटिक है, कुछ टेरेस्ट्रियल है मतलब मिट्टी में भी मिलेंगे आपको, टेरेस्ट्रियल ओके. कुछ आपको फ्री लिविंग फॉर्म में मतलब मिट्टी, पानी, जमीन, सॉइल वगैरह में मिलेंगे. ओके, और कुछ पैरासाइटिक है, जो आपको पैरासाइट के जैसा आपकी बॉडी से ब्लड वगैरह सब करने वाले जो लीचेस है. ओके, लीच जरू वरू क्या बोलते उसको, जरू आई थिंक राइट मराठी में. सो वो ब्लड सकिंग लीच, उसका भी फाइलम यही है. ठीक है, आपको तीन एग्जांपल्स दिए हुए एनसीईआरटी में, नेरिस, योर फेरेटिमा और आपका हिरुडिनेरिया. मतलब नेरिस तो एक्वाटिक है, ठीक है, और फेरेटिमा मतलब आपका अर्थवर्म. आपको नेरिस का दूसरा नाम कौन सा वर्म बोलते हैं, इसको ये ढूंढ के निकालना है, विच वर्म इसका दूसरा नाम. ठीक है, जैसे फेरेटिमा को अर्थ वर्म क्योंकि मिट्टी में मिलता जनरली, तो इसीलिए तो नेरिस का दूसरा नाम कौन सा वर्म है, क्या वर्म है, उसको क्या बोलते हैं. ठीक है, आपको वो ढूंढ के निकालना है. हिरुडिनेरिया इज योर ब्लड सकिंग लीच, इट इज द लीच जो ब्लड आपका सक करती है. ओके, आपको फोटोज भी आए थे, देखा आपने कैसे हाथ के ऊपर वो ब्लड सक करेंगे, सो उसकी बॉडी में सक्कर्स रहेंगे. फेरेटिमा आपको फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं अपन इसको, शेतकऱ्याचा मित्र या फिर किसान का दोस्त इसको बोलते हैं अर्थवर्म को, क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरी कर देता है, मिट्टी को एकदम सॉफ्ट ऐसे दानेदार ग्रेन्युलर बना देता है, जिसकी मदद से सीड जर्मिनेशन वगैरह अच्छे से हो सकता है, उसके अंदर एरेशन अच्छे से हो सकता, हवा वगैरह सॉइल में मिलके सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ सकती, तो इसीलिए इसको किसान का मित्र बोलते हैं, राइट, या फिर फार्मर्स फ्रेंड, दैट इज योर अर्थवर्म और फेरेटिमा. देन नेरिस, ये सब साइंटिफिक नेम्स है और ये उनके जनरल नेम्स या फिर कॉमन नेम्स है. ओके, नाउ अगर इनके हैबिटेट की बात कर ली, मिट्टी में, पानी में, अलग अलग जगह मिलते हैं, सो अपन इनके बॉडी के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखें, तो बॉडी कैसी है इनकी. सो सबसे पहले तो इनका जो ऑर्गन सिस्टम ही रहेगा, अब यहां से अब टिश्यू लेवल वगैरह भूल जाओ, सेलुलर लेवल में सिर्फ पहला फाइलम था पोरीफेरा, उसके बाद टिश्यू लेवल था, उसके बाद ऑर्गन लेवल आया थर्ड फाइलम, फोर्थ फाइलम से आपके प्लैटिहेल्मिन्स में, फिर ऑर्गन सिस्टम शुरू हो गया आपके एस्केल्मिन से. अब यहां से आप हमेशा ऑर्गन सिस्टम रहेगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा. ओके, सो आपके पहले तीन चार याद रख लिए, तो अभी आगे से पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम, मतलब इनमें अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स रहेंगे, जैसे कि इनमें नर्वस सिस्टम रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा, इनमें सिस्टम्स दिखाई देंगे. ओके, वी विल सी इट हाउ. ऑर्गन सिस्टम होने के बाद अगर इनकी बॉडी की सिमेट्री की बात कर ले, बायलैटरली सिमेट्रिकल, कैसे ये बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब आप इनकी बॉडी को दो
समान हिस्सों में कट कर सकते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल इस तरीके से कट करें, या फिर वर्टिकली कट करें तो दो हिस्से एक्चुअली वर्टिकली कट करेंगे इस तरीके, हॉरिजॉन्टली कट हो गया, को बीच में से कट करना पड़ेगा, वार्थ हम ऐसा रखने का और उसको बीच में से कट करने का, सो एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड आपको मिल जाएगी, ठीक है। देन अगर सिमेट्री के बाद बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इनमें तीन जर्म लेयर्स रहते हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म, एंड दे विल शो द फर्स्ट ट्रू सिलोमेट, प्रेजेंस ऑफ ट्रू बॉडी कैविटी, सो दे आर द फर्स्ट ट्रू सिलोमेट्स, ट्रू बॉडी कैविटी। पहली बार अपनी बॉडी में कैविटी रहती है, आपको पता है बॉडी वॉल और गट, मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके बीच में जो कैविटी, ऐसा मैंने बताया था आपको, पोस्टमार्टम करते हैं, फाड़ देते, खोलते, फिर अंदर के बॉडी ऑर्गन्स निकाल देते, फिर अंदर खाली जगह दिखाई देती, दैट इज योर बॉडी कैविटी, ओके। सो यहाँ पे पहली बार आपको बॉडी कैविटी दिखाई देगी, दे आर द फर्स्ट ट्रू सिलोमेट्स, आपको ये एमसीक्यू बिल्कुल मिलेगा। याद करो पहले चार फाइलम आपका पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लैटीहेल्मिंथ्स, ये चार फाइलम असिलोमेट फाइलम थे, आस्क हेल्मिंथ वो सूडो सिलोमेट, और अब एनेलिडा से आगे के सारे फाइलम रहेंगे आपके सिलोमेट्स। तो मतलब पहली बार आपको सिलोम कहां पर दिखाई दे रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम द ट्रू सिलोम और बॉडी कैविटी इज फाउंड इन एनेलिड्स, ओके। सो फर्स्ट टाइम सिलोमेट्स है। इसके बाद अगर बात करें तो सबसे खास फीचर मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और बॉडी इज डिवाइडेड इंटू सेगमेंट्स दिखाई देंगे आपको बॉडी में, कॉल्ड एज मेटामियर्स, मेटामियर्स, ये जो सेगमेंट्स बता रहा हूं मैं आपको, दीज आर कॉल्ड मेटामियर्स, दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामियर्स। अब जब आप अगर अर्थवर्म को ऑब्जर्व करेंगे इस तरीके से, या लीचेस को देखेंगे, तो आपको उनकी बॉडी के ऊपर लाइंस दिखाई देंगे, सो दीज लाइंस आर कॉल्ड एन्यूलाई, दीज आर रिंग्स और एन्यूलाई, एक्सटर्नल सर्फेस पर आपको लाइंस दिखाई देंगे, दे आर कॉल्ड एन्यूलाई और रिंग्स। लेकिन अगर आपने अर्थवर्म को कट किए, आपको कट सेक्शन बता रहा हूं, अगर ये कट किए तो आपको अंदर से भी बॉडी ऐसी गोल दिखाई देंगी, ठीक है, अंदर से फिर बाकी के चीजें रहेंगी बरायली इस तरीके से, और आपको अंदर भी यहां से लेकर यहां तक एक कैविटी बन जाएगी, एक चेम्बर बन जाएगा, तो यहाँ पे एक पर्दे जैसा रहेगा, ओके। इमेजिन करो रेलवे को, तो रेलवे में कैसा एक डिब्बा रहता, फिर एक डिब्बा खत्म हो जाता, फिर अगला रेलवे का डिब्बा रहेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर अगला डिब्बा शुरू, तो बीच में क्या है वॉल से यहाँ पे कंपार्टमेंट्स करा ले, तो यहाँ पे जो पार्टीशन है दे आर कॉल्ड सेप्टा, व्हाट इज सेप्टा या सिंगुलर सेप्टम, सेप्टम मतलब पर्दा, ओके। दीज आर द इंटरनल पार्टीशंस, इंटरनल पार्टीशंस सीन इन द एनेलिड्स, सीन इन द एनेलिड्स, ओके। सो व्हेन आउटर सेगमेंटेशन coincides with the inner segmentation, जैसा बाहर से सेगमेंट है वैसे अंदर से भी सेगमेंट्स हुए वाले, बॉडी के अंदर भी चेम्बर्स बने वाले, पार्टीशंस हुए वाले, सो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन तो है ही, इंटरनल भी सेगमेंटेशन है, ठीक है, एक्सटर्नली सेगमेंटेशन प्रेजेंट है प्लस इंटरनली सेप्टा की वजह से सेगमेंटेशन वाला है, और हर सेगमेंट में अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है, अपना नर्वस कुछ तो भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम का कुछ हिस्सा है, सो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कोइंसाइड्स विद इंटरनल सेगमेंटेशन, हेंस इट इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मेटामेरिक, बाहर से भी टुकड़े हुए हैं और अंदर से भी बॉडी टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइडेड है, फिर भी एक अखंड बॉडी है, पूरी कंप्लीट बॉडी है, दिस इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। डेफिनेशन क्या है, व्हेन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कोइंसाइड्स विद द इंटरनल सेगमेंटेशन ड्यू टू सेप्टा, सो इट इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ओके। आपको इस तरीके के सेगमेंट्स दिखाई देंगे। फिर अगर हम इनके सेगमेंटेशन की वजह से देखें तो आपको रिंग्स दिखाई देंगे, और इन्हें रिंग्स की वजह से मेटामियर्स की या सेगमेंट्स की वजह से इनका नाम क्या पड़ा है, एनेलिड्स या एनेलिडा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फाइलम, एनेलिडा, एंड द रीजन फॉर द नेम, प्रेजेंस ऑफ एन्यूलाई और रिंग्स ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ बॉडी, देयरफॉर द फाइलम इज नेम्ड एज एनेलिडा। रीजन समझ में आया नाम क्यों रखे, ओके। सेगमेंट्स के बाद अगर बात करें सो अपन आ जाते हैं क्या अलग अलग सिस्टम्स की, सो यू कैन सी डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब सिस्टम देखेंगे। सो अगर इनको फर्स्ट चेंबर अगर आप इस तरीके से अगर आप आ जाएंगे, अपन एक छोटा सा अर्थवर्म इमेजिन करते, सो ये आपका अर्थवर्म है, ओके। इनको कोई पैर वैर तो नहीं रहते, तो इनका जो पहला सेगमेंट रहता, दिस फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम, नाम याद रखो, व्हाट इज पेरी मतलब आजू बाजू, स्टोमा मतलब माउथ कैविटी,
ओके, स्टोमा, स्टोमेटा, स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लीफ सर्फेस, राइट। सो यहाँ पे स्टोमा मतलब माउथ, यहाँ पे इसकी माउथ की ओपनिंग रहेगी, ठीक है, वो खाएगा, उसके ऊपर जो कवरिंग है, सो दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट सेगमेंट, दिस इज द पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम इज द फर्स्ट सेगमेंट, ओके। देन यहां से आपका माउथ रहेगा एंड माउथ फिर इट विल रन इंटरनली, अंदर जाएगा, यहाँ पे उसका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक रहेगा, अलग अलग पार्ट्स रहेंगे उसके, अपने को वो नहीं देखना है, इंटेस्टाइन वगैरह जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, एंड लास्ट सेगमेंट में वो ओपन होगा इस तरीके से, देयर विल बी अनदर ओपनिंग कॉल्ड एनस, मतलब इसको माउथ भी है और एनस भी। सो जब दोनों सिस्टम रहेंगे, माउथ प्लस एनस रहेगा, पॉइंट नंबर थ्री इज मेक्टामिक सेगमेंटेशन, पॉइंट नंबर फोर डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर इनका आप देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इट इज कंप्लीट एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब दिख रहा है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूब विद इन ट्यूब, अ गट इज देयर, इट इज द मेन ट्यूब, ओके, एंड इट इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी, बॉडी इज ऑल्सो ट्यूब लाइक बॉडी, सो अपना भी ट्यूब विद इन ट्यूब, बराबर है, बड़े ट्यूब में छोटा ट्यूब, तो देखो माउथ और एनस ऐसे दो अलग अलग ओपनिंग से और पूरा गट अंदर से जा रहा है, so this is called tube within tube body plan, we call it as complete digestive system, क्या बोलेंगे इसको, complete digestive system, complete है, ठीक है, because mouth and anus both openings are different, hydra में ऐसा नहीं था, hydra में कैसा था, एक ही opening थी, वही opening में से अंदर भी आती थी चीजें और बाहर भी जा रही थी चीजें, correct, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे दोनों अलग अलग है, okay, so tube within tube body plan, different openings for ingestion of food and egestion of food, ओके okay. अगर इसके बाद बात करूं मैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ जाओ, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सो यहां पे आपको बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स दिखाई देंगे एक्सेप्ट लीच, लीच में नहीं रहेगा, बाकी अर्थवर्म नेरिस वगैरह जो एग्जांपल्स है उनमें आपको क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट डू मीन बाय क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, the system in which blood vessels are present and blood will flow through the closed blood vessels only. इनमें पहली बार आपको closed blood vessels या फिर closed circulatory system दिखेगा, except leech. Leech में true vascular system absent रहता, लिख के रख लो. Earthworm में रहेगा. ठीक है. Earthworm अगर आपने cut किए तो उसकी body अंदर अगर आप dissection किए, so dissection में आपको 11 में ही आपको dissection है practical में. So dissection अगर आप किए उसकी बॉडी में आपको रेड कलर के, डार्क रेड कलर के ब्लड वेसल्स दिखाई देंगे, ओके, ब्लड वेसल्स के अंदर हीमोसिलोमिक फ्लूइड रहेगा, ब्लड जो रहता है इसका उसको बोलते हैं हीमोसिलोमिक फ्लूइड, ब्लड इज योर हीमोसिलोमिक फ्लूइड विच शोज प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हेंस हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट डिजॉल्व फॉर्म, याद रखो ये अच्छी, आपको पूछेंगे अर्थवर्म का ब्लड कौन से कलर का रहता, अर्थवर्म का ब्लड रेड कलर का रहता, उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड हीमोसिलोमिक, हीमो मतलब ब्लड, सिलोम मतलब बॉडी कैविटी, हीमोसिलोमिक फ्लूइड पूरी बॉडी में सप्लाई वाला है, बट इट फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स, हेंस इट इज कॉल्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर वो डायरेक्ट ब्लड फ्लो होता था ओपन बॉडी स्पेसेस में तो उसको ओपन सर्कुलेटरी, जो अपन आर्थ्रोपोडा में देखेंगे, यहां पर क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके ब्लड में आपको हीमोग्लोबिन तो दिखाई देगा बट हीमोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट इन आरबीसीज बिकॉज आरबीसीज आर एब्सेंट, आरबीसीज आर एब्सेंट, अमीबॉइड ब्लड कार्पस्कल्स आर प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट इनके पास, अमीबॉइड, अमीबॉइड ब्लड कार्पस्कल्स, ब्लड कार्पस्कल्स, ब्लड सेल्स आर अमीबॉइड, जैसे अपने डब्ल्यूबीसी रहते हैं अमीबॉइड रहते हैं, अमीबा के जैसे रहते हैं, उनका कोई फिक्स शेप नहीं रहेगा, सो वैसे अमीबॉइड ब्लड कार्पस्कल्स आर प्रेजेंट बट रेड ब्लड कार्पस्कल्स आर एब्सेंट, देन हु विल गिव रेड कलर टू ब्लड, हीमोग्लोबिन, एंड दैट हीमोग्लोबिन इज डायरेक्टली डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा, ओके, सो वो उसको ब्लड को कलर देगा, देयरफॉर द ब्लड ऑफ योर एनेलिड दैट दिस अर्थवर्म इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि अपने जैसा हीमोग्लोबिन रहेगा, स्ट्रक्चरली थोड़ा सा अलग रहेगा बट हीमोग्लोबिन, इट विल कैरी ऑक्सीजन CO2 सेम फंक्शन, ठीक है, सो सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आया, क्लोज्ड है, ब्लड इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड हीमोसिलोमिक फ्लूइड, हैविंग आरबीसीज आर एब्सेंट, अमीबॉइड ब्लड कॉर्पस्कल्स प्रेजेंट एंड हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा, आपको देते
अर्थवर्म ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, ऐसा देते बट आरबीसी है क्या यहाँ पे, दे आर एब्सेंट। यहाँ पे क्या रहना चाहिए, ब्लड ऑफ अर्थवर्म इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा नॉट इन आरबीसी। अपने आरबीसी में रहेगा लेकिन इनके इसमें ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व है। क्लियर? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन। अगर रेस्पिरेशन की बात करें, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इनका, रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इज बाय आइदर स्किन, इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस मतलब स्किन क्यूटिंग जैसा रहता, तो स्किन। सो जब पानी रहेगा, कीचड़ रहेगी, मर्ड रहेंगी, सो मर्ड में क्या होगा, अगर जो ऑक्सीजन है इट इज डिजॉल्व इन द वाटर और मर्ड। ओके, और फिर स्किन के थ्रू डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस डायरेक्टली होगा, इट्स कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स में गिल्स प्रेजेंट रहते, दे आर कॉल्ड ब्रैकियल रेस्पिरेशन। गिल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड ब्रैकियल। जो एक्वाटिक है, अभी मैं बता रहा, सम आर एक्वाटिक एनालिट्स, तो पानी में रहने वाले एनालिट्स जो है उनमें गिल्स भी प्रेजेंट रह सकते, उनके अंदर गिल्स आपको मालूम होंगे फिश में जैसे रहते गिल्स। सो ओके, यहाँ पे तीन चार लाइन रहते ना, सो वैसे गिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं उनकी बॉडी पर। ओके, सो यहाँ पे गिल्स फिश ने रहने का एग्जाम्पल, या फिर इनके अंदर और अगर रेस्पिरेटरी अगर आप देखते गए, सो आपको दिखाई देंगे पैरापोडिया, पैरापोडिया जो आपको नेरिस में दिखाई दे रहे, सो दे ऑल्सो हेल्प इन एक्सचेंज इन दी नेरिस। तो नेरिस आपको देखो कैसी फोटो थी, आपके सामने फोटो भी आ रहा है। सो इस तरीके से नेरिस के चेम्बर्स है, सेगमेंट्स है, प्लस जो हर सेगमेंट के पास एक इस तरीके से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, है क्या हर एक चेम्बर के पास खुद का ऐसा स्ट्रक्चर, बहुत सारे हैं, वो गिनती में नहीं आते, तो इसको पॉलीचीटा बोलते हैं या पॉलीकीटा इसका नाम रखा है। ओके, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। तो ये जो सेगमेंट्स है दीज आर कॉल्ड पैरापोडिया। पैरा मतलब पैरेलल है दोनों तरफ, और पोडा मतलब लेग लाइक है। ये नेरिस एक्वाटिक रहता, पानी में इनकी मदद से स्विम कर सकता। प्लस ये जो पैरापोडिया, एक सेगमेंट निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे सिर्फ, इसका इधर एक पैरापोडिया है, इधर एक पैरा, ये एक ही सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे। सो इधर आपको यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे बंच ऑफ स्मॉल फाइबरस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स आर सीन, उनको बोलने का सेटी या सेटी, सेटा, सेप्टा नहीं, सेटी, एकदम धागे जैसे, एकदम सीलिया जैसे, ऐसे फ्लैजेला जैसे पतले पतले एकदम स्ट्रक्चर्स रहेंगे, दैट कॉल्ड सेटी। एक्चुअली सेटी स्विम होंगे, ओके, इस तरीके से मूव होंगे, तो ये तुम्हारा नेरिस पानी में तैर सके, ये उड़ रहा नहीं, तैर रहा पानी में। ओके, सो इस तरीके से तैर सकेगा, एक्वाटिक है, नेरिस इज द एक्वाटिक एनेलिड। ओके, उसमें फिर एक मेल रहेगा, एक फीमेल रहेंगे, अलग अलग रहेंगे नेरिस में दोनों, अर्थवर्म में दोनों बॉडीज एक रहेंगे, वो अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहेंगे। सो ये जो पैरापोडिया है दे विल ऑल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उनमें भी रेस्पिरेशन में मदद करें, दे विल ऑल्सो हेल्प इन लोकोमोशन एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अर्थवर्म में अगर बात करें तो पैरापोडिया एब्सेंट रहते, ओनली सेटी, अगर नीचे का साइड देखे तुमने वेंट्रल सर्फेस, नीचे का सर्फेस वेंट्रल, ऊपर का सर्फेस डॉर्सल, ठीक है, अर्थवर्म का। सो नीचे का साइड अगर तुमने अर्थवर्म को पलटा दिए तो तुमको अर्थवर्म के नीचे इस तरीके से सेटी रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, और चेम्बर्स तो रहेंगे आपके, सेगमेंट्स तो है, सो बीचों बीच आपको सेटी दिखाई दे, ठीक है। सो अर्थवर्म में अगर लोकोमोटरी ऑर्गन आ गए, लोकोमोशन आ गया इसके बाद, सो सेटी इन अर्थवर्म एंड पैरापोडिया अलॉन्ग विथ सेटी इन नेरिस, सेटी आर दी रिप्रो ऑर्गन्स, दे आर सीले, अर्थवर्म से घसड़ घसड़ के चलता ना, देखे होंगे आपने अर्थवर्म की मूवमेंट मिट्टी पर, कैसे खुद को आ गया इस तरीके से ढकेलते ढकेलते चलते हैं अर्थवर्म। सो उनके बॉडी में सेटी रहते हैं, उनकी मदद से चलते हैं, पैरापोडिया नेरिस में रहेंगे, प्लस इस तरीके की जब अर्थवर्म मूवमेंट करता तो वो खुद की थोड़ी सी बॉडी आगे ढकेलता, फिर पीछे की बॉडी खींचता, फिर पीछे की खींचता। सो ये मूवमेंट करने के लिए लॉन्जिट्यूडनल और सर्क्यूलर मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। कौन से मसल्स, लॉन्जिट्यूडनल प्लस सर्क्यूलर। अगर आपको आस्क हेलमिन से याद आ रहे होंगे तो उसमें सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल मसल्स थे, सर्क्यूलर मसल्स नहीं थे। इसकी बॉडी में ऐसे लंबे लंबे मसल्स भी रहेंगे, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स एज वेल एज रिंग लाइक सर्क्यूलर मसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। लॉन्जिट्यूडनल मसल्स क्या करेंगे, वो खुद को इस तरीके से लंबा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, और सर्क्यूलर मसल्स क्या करेंगे, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। सो ये ऐसा आगे पीछे और फिर इस तरीके से ऊपर नीचे राउंड राउंड,
सर्कुलर मोशन में ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे, सो फिर उसकी मदद से फिर अर्थवर्म इस तरीके से आगे आगे रेंगते हुए आगे चले जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे लोकोमोशन में क्या क्या मदद कर रहे हैं आपके स्ट्रक्चर्स, सेटी, पैरापोडिया इन नेरिस एंड लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मोशन, ये तो सब में रहेंगे। ओके, सो दे विल हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, लोकोमोशन मूवमेंट होने के बाद आपका एक्सक्रीशन और नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, सो एक्सक्रीशन इज बाय मींस ऑफ नेफ्रिडिया, एक्सक्रीशन पॉइंट नंबर 8 फॉर एग्जांपल, एक्सक्रीटरी सिस्टम इट इज डन बाय नेफ्रिडिया, सो दे हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर सॉल्ट बैलेंस, एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, अमोनोटेलिक भी रहते ये, प्लस यूरियोटेलिक दैट इज यूरिया के फॉर्म में भी एक्सक्रीशन होता है टेरेस्ट्रियल वालों में। आपको अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम याद आ रहा होगा, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, सो अर्थवर्म इज पार्शियली अमोनोटेलिक व्हेन इट इज इन मड एंड वाटर, तो वो अमोनिया एक्सक्रीट करेगा क्योंकि पानी अबंडेंट है, जब पानी अबंडेंट रहता तो एक्वेटिक जो इसके अलावा जो है आपके वो भी आपके क्या रहेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स आर मोस्टली अमोनोटेलिक बिकॉज दे हैव अबंडेंट वाटर एंड दे एक्सक्रीट अमोनिया। लेकिन जब टेरेस्ट्रियल बन जाते हैं ह्यूमन बींग जैसे, सो वी कंजर्व वाटर एंड फॉर दैट वी यूज यूरिया, वी एक्सक्रीट यूरिया एज द एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड वी बिकम यूरियोटेलिक। तो यहाँ पे अर्थवर्म भी क्या करता, जब पानी में रहता कीचड़ में रहता तब अमोनिया एक्सक्रीट करेगा, लेकिन जब पानी सूख जाएगा, मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, मॉइस्चर कम हो जाएगा, तो वो टाइम पे वो यूरिया एक्सक्रीट करता। याद रखो, इट इज पार्शियली अमोनोटेलिक, अर्थवर्म इज पार्शियली अमोनोटेलिक एंड पार्शियली यूरियोटेलिक। नेरिस पानी में चलता तो वो अमोनियोटेलिक रहेगा, ठीक है। सो एक टेरेस्ट्रियल मैंने आपको एनेलिड बताया, एक एक्वाटिक एनेलिड बताया। ओके, सो यूरिया और अमोनिया दोनों एक्सक्रीट करते रहेंगे। देन और एक्सक्रीशन स्ट्रक्चर कौन सा, नेफ्रिडिया, ये थोड़े से आपके नेफ्रॉन जैसे रहेंगे, थोड़े से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, सब कलेक्ट करेंगे और पूरा एक्सक्रीट करेंगे बाद में एक्सक्रीटरी पावर के मदद से। ओके, अगर आपको याद आ रहा होगा तो फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट इन फ्लैट वर्म्स, रेनेट सेल्स एंड कॉब ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन योर आस्क हेलमिंथ दैट इज राउंड वर्म्स, राइट। प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट्स वगैरह आपको उधर ही थे आपके फ्लैट वर्म्स में, यहाँ पे आपको नेफ्रिडिया पहली बार, वहां पे प्रोटोनेफ्रिडिया थे फ्लैट वर्म में, यहाँ पे नेफ्रिडिया। आपको ये मैंने टेबल आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहले चैप्टर में आपको लिया हुआ है 19 चैप्टर में, सो वहां पर भी सेम चीज आई थी, तो आप यहाँ पर उसको बस मैच कर। ओके, देन अगर इसके बाद 9th नंबर अगर देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा तुम्हारा इसके बाद, सॉरी नर्वस सिस्टम देखते हैं। सो नर्वस सिस्टम इनका कैसा है, इट कंसिस्ट ऑफ टू गैंग्लियन, सेंट्रल गैंग्लियन, दे आर डॉर्सल, डॉर्सल मतलब ऊपर की साइड। अगर ब्रेन आपको देखना है अर्थवर्म का, सो ब्रेन यहां पे, दिस इज अर्थवर्म आपका, इस तरीके से अर्थवर्म है फॉर एग्जाम्पल, ये लंबा सा। ओके, सो यहाँ पे एक और उसके वो साइड से एक, ऐसे दो न्यूरॉन्स के, नर्व सेल्स के बंडल रहेंगे, वो एक दूसरे को कनेक्टेड रहेंगे, एक बंडल इधर एक बंडल इधर, फिर उनसे नीचे की तरफ जाएगा और एक नर्व रिंग तैयार होगा, और फिर एक इधर जाएंगे वेंट्रल कॉर्ड, एक जाएंगे इधर वेंट्रल कॉर्ड, जैसा अपने को स्पाइनल कॉर्ड रहती है वैसे इनको दो वेंट्रल कॉर्ड है। क्या क्या इनके नर्वस सिस्टम में, टू डॉर्सल गैंग्लियन, टू डॉर्सल गैंग्लियन, वन नर्व रिंग एंड टू या फिर डबल डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल सॉलिड, सॉलिड मतलब अंदर से खाली नहीं है, पूरा भरियाला है, ये एक और ये दूसरी, ठीक है, ये डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है। आपको ये डिफरेंस इसीलिए बता रहा हूं, आपको ये चीज इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जब कॉर्डेट्स आएंगे तो ये चीज रिवर्स हो जाएगी। वहां पे क्या होगा, अपने कॉर्डेट्स में, अपनी बॉडी में डॉर्सल नर्वस सिस्टम है, पीछे की तरफ है अपना पूरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन मेनली पीछे है और स्पाइनल कॉर्ड भी बैक साइड में आपकी, सो योर नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, कॉर्डेट्स में डॉर्सल रहेगा, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल रहता नर्वस सिस्टम, देखो पूरा नीचे से ज्यादातर। आप बोलेंगे सर ये तो ऊपर है, लेकिन बाकी का मेजर हिस्सा देखो नीचे, बराबर है। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स हैव डबल वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम एंड कॉर्डेट्स हैव सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड्स,
आपको ये डिफरेंस का टेबल नॉन कॉर्डेट्स वर्सेस कॉर्डेट्स आगे आएगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी याद रखो अर्थवर्म के अंदर कैसा है, वेंट्रल साइड में है नर्व कॉर्ड, ब्रेन भले ही उसका ऊपर है, दीज आर दी टू सेरेब्रल या फिर सेंट्रल गैंग्लिया और डॉर्सल गैंग्लियन। व्हाट इज गैंग्लियन? गैंग्लियन इज द मास और बंडल ऑफ नर्व सेल्स दैट इज न्यूरॉन्स। ब्रेन भी एक गैंग्लियन है अपना, और बंडल है ना, गुच्छा है ना, पूरा बंच है ना, तो ये भी बंच ऑफ गैंग्लियन, बंच ऑफ नर्व सेल्स। सो ऐसे दो रहेंगे, बीच बीच में छोटे छोटे और रहेंगे, और फिर इनसे बहुत सारे लैटरल ब्रांचेस निकलेंगे, लैटरल नर्व्स, उनके ब्रांचेस पूरी बॉडी में उसको ब्रांचेस सप्लाई वाले, लैटरल नर्व्स। समझ रहे क्या क्या है इनके ब्रेन में? ओके, इनका नर्वस सिस्टम क्या है? टू डॉर्सल गैंग्लियन, वन नर्व कॉर्ड, वन नर्व रिंग एंड टू वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड्स अलॉन्ग विथ लैटरल नर्व्स सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स। नर्वस सिस्टम इतने है। ठीक है, अपने पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है और उससे निकल रहे नर्व्स है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैरा सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, ऑटोनॉमिक, ये नर्वस सिस्टम अपने है। इनके पास इतना सिंपल ऐसा ही है। ओके, बट सॉलिड है अपना, हॉलो है, कैसे बाद में देखेंगे। लेट सी वन मोर थिंग, रिसेप्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, किसी की रिसेप्टर्स भी रहते हैं, टच रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, ऐसे इनमें सेंसिटिविटी के लिए, सेंस करने के लिए कुछ ऑर्गन्स रहते हैं अलग अलग। ओके, पैरापोडिया भी इसमें काम कर सकते हैं, सेटी भी इसमें मदद करेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे माउथ वगैरह जो था वहां पे पेरिस्टोमियम भी इसमें हेल्प करेगा उनको, टेम्परेचर या फिर सेंस, केमिकल का सेंस, कीमो रिसेप्टर्स रहते हैं उसमें। सो वो रिसेप्टर्स नहीं, बट रिसेप्टर्स कैन बी सीन हियर, सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ओके, देन लास्ट वन इज योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं यहां लिख देता डायरेक्ट डायरेक्ट, रिप्रोडक्शन कैसा है इनका, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दिखाई देंगे। पहले तो दोनों सेक्स किधर किधर प्रेजेंट है, सो सम स्पेशीज आर मोनोइशियस, सम स्पेशीज आर डायोइशियस, मोनोइशियस और डायोशियस। व्हाट इज मोनोइशियस? मोनो मतलब एक, इशियस मतलब बॉडी, डायो मतलब दो और बॉडीज। सो जब बोथ दी सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम बॉडी, बोथ दी सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम बॉडी, जैसे कि यहां पे टेस्टिस भी रहेंगे और ओवरीज भी रहेंगे, testes and ovaries both are present in same body, male or female organs both are present in same body, it is called monoecious species, जैसे कि earthworm, earthworm, अरे margin में definition लिख के रखो, monoecious species refers to the bisexual species, that is an organism having both sex organs, male and female sex organs within the same body। अपन ही कैसे नहीं, मेल बॉडी में मेल स्ट्रक्चर्स है, फीमेल बॉडी में फीमेल, व्हेन मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडीज दैट इज यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड डायोशियस स्पीशीज या डायोशियस एनिमल, डायोशियस ऑर्गेनिज्म। समझा? यहाँ पे अलग अलग है क्या, यहाँ पे अर्थों में दोनों सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस भी ओवरीज भी, बट फिर भी दोनों को मीटिंग के लिए क्या होता, इसके जो स्पर्म्स है और इसके ओवम है ये मीट नहीं हो सकते, इसके लिए अर्थवर्म खुद का रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसको दूसरे अर्थवर्म से मेटिंग करना पड़ता, वो एक दूसरे के साथ लाइन में आ जाते, उनका रिप्रोडक्शन अपने को है नहीं, और फिर कॉपुलेशन होता, एक्सचेंज ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम होता, वो सब होगा और रिप्रोडक्शन कैरी आउट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी कंप्लीटेड एंड देयर विल बी डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसी डेवलपमेंट होगी इनमें? डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाई देगी आपको। ओके, मतलब नो लार्वल स्टेज, आपको इसमें कोई नो लार्वल स्टेज, डायरेक्ट डेवलपमेंट में छोटे छोटे अर्थवर्म के जैसे दिखने वाले बच्चे रहेंगे, उनके अर्थवर्म के बच्चे तैयार होंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट रहेगा, एग्स बनेंगे, एग्स फूटने के बाद उसमें से डायरेक्टली अर्थ लार्वा। अब एग्स बोलते लिटरली अंडे, इमेजिन मत करो प्लीज, छिपकली वगैरह के अंडे जो रहते हैं इंसेक्ट्स के, वैसे अंडे नहीं रहेंगे इनके, छोटे छोटे एकदम एग्स रहेंगे, एकदम पतले पतले से पानी के अंदर ही तैयार रहेंगे उन्होंने, वो फूटने के बाद उसमें से डायरेक्टली अर्थवर्म के बच्चे निकलेंगे। So larval stage is absent, direct development is present in earthworm. Sexual reproduction takes place, huh? Sexual. Asexual is seen in some organisms, earthworm में नहीं रहेगा, किसी किसी में रहेगा, budding वगैरह होता, fission वगैरह होता उसके अंदर, but यहाँ पे mainly sexual reproduction पे focus है। Dioecious जो species है तुम्हारा example है, dioecious का example नेरिस, अभी बताया मैं तुमको नेरिस कैसा है, पानी में तैरता रहता, so ये dioecious annelid है, आपको MCQ पूछेंगे which of the following is a dioecious annelid? Dioecious annelid. So Neris is the dioecious annelid. Aphrodite is also dioecious. Okay. Leech is mainly monoecious. Leech में भी दोनों sex organs साथ में present रहेंगे. Leech. Okay. Hirudinaria, blood sucking leech. उसमें sucker रहेंगे.
सकर विल ऑल्सो हेल्प इन लोकोमोशन इन लीच, उसमें सेठी वगैरह कम रहेंगे बट सकर मेनली उसको ऐसा काटेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर ऐसा पकड़ेंगे सकर से और उसकी बॉडी आगे बढ़ जाएगी, सकर से उड़ी मारेंगे पकड़ के। सो लीच में भी डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लेकिन नेरिस में अगर आप देखें तो मेल फीमेल दोनों अलग अलग है, जब दोनों मीट होते तो फिर मेल विल डिपॉजिट स्पर्म्स इनटू फीमेल्स बॉडी, कहा होंगे कैसा होगा वट एवर, बट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके बाद उसमें एक बहुत फेमस ऐसा एक लार्वा तैयार होता है, लार्वल स्टेज बहुत फेमस है, ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, कौन सा लार्वा तैयार होगा यहाँ पे, ट्रोकोफोर लार्वा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनेलिड्स। प्लैन्यूला स्पॉन्जेस में रहेगा, साइडिपिड आपका सिलेंड्रेट्स में रहेगा, राइट। वैसे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ट्रोकोफोर लार्वा, माइक्रोफाइलरी आपके फाइलेरिया वाले वर्म्स वगैरह में रहेगा, राइट। इस तरीके से आपके यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रोकोफोर लार्वा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर एनेलिड्स एंड दैट टू मेनली नेरिस, नेरिस वाले में रहेगा, ओके। अब लार्वल स्टेज आ गई तो कौन सी डेवलपमेंट होगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दिस इज योर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि लार्वल स्टेज आ गई बीच में, करेक्ट। और फिर एडल्ट जैसा नहीं दिखेगा बच्चा, वो जो लार्वा रहेगा बीच में वो अलग से ग्रो होगा, उसको माउथ एनस सब रहेगा, वो फिर ग्रो होकर एडल्ट बनेगा बाद में, ओके। सो इस तरीके से आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी, मतलब डेवलपमेंट इज आइडर डायरेक्ट इन अर्थवर्म और इनडायरेक्ट इन नेरिस। तो आपको जो फोटोज दी हुई एनसीईआरटी में वहां पे नीचे फोटो के पास लिखो ये सारी चीजें, क्या अर्थवर्म के फोटो के पास ये लिखो इट इज मोनोशियस कॉमा डायरेक्ट डेवलपमेंट नो लार्वा, नेरिस की फोटो के पास लिखो डायोशियस कॉमा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और ट्रोकोफोर लार्वा पैरापोडिया, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख के रखो वहां पे, ये आपको बहुत बाद में काम में आता है रिवीजन के टाइम पर, ये फोटो देखते याद आता है अपने को वर्ड्स, ओके। खुश हो जाते तुम सर मुझे वो फोटो पे लिखा था तो याद आ गया, प्लीज डू दिस, ये ट्रिक्स आपको करना पड़ेगा। एंड लाइक दिस द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इन योर नेरिस, यहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन खत्म होता, ओके। पूरा आपको 9-10 पॉइंट्स में कुछ मैं कोशिश किया बताने की, ओके, एक्स्ट्रा आई नो दैट, बट आप करेंगे तो आपको बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए पूरे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब कैसे है क्या है, एंड दैट्स ऑल अबाउट योर एनिमल्स। वी विल सी द नेक्स्ट फाइलम नंबर 7, दैट इज योर आर्थ्रोपोडा, बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।